गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मान विषय के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पार्ट दो वर्ण विचार पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने स्वर और व्यंजन वर्ण पढ़ाए थे। स्वर और व्यंजन वर्ण के अंतर्गत मैंने व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। का से लेकर मा तक वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं और का से लेकर के मा तक के वर्णों को पाँच वर्गों में बांटा गया है। का से अंग का वर्ग, च से इं चावर, ट से न टावर, त से न तावर और प से न पग। यह रलाभ को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और तालब से मूर्धन से दंत स्वभाव को उष्ण व्यंजन कहा जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज के कारण उन पर जो गूंज पैदा होती है उसमें दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक सघोष वर्ण और एक अघोष वर्ण। घोष, घोष मतलब होता है गूंज, कंपन, कंपन उत्पन्न होना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में सघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्र वोकल ग्लैंड जो होता है यहाँ पर कंपन पैदा होता है, उसे कहते हैं सघोष वर्ण। से ग एक कंठ से ध्वनि निकलते ग घ, आप देखो कि यहाँ पर एक कंपन सा होता है। ग घ ज झ मतलब ग घ अंग, मतलब वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग। का वर्ग में पांच वर्ण है, का का ग घ अंग, तो वर्गों का तीसरा चौथा और पांचवा ग घ अंग, च छ ज झ यहाँ इसमें एक गूंज पैदा होती है, उन्हें कहते हैं सघोष वर्ण। अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा नहीं होती उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। जैसे क ख च छ, ये इसमें क और ख आप बोलोगे तो क ख क ख ग घ इसमें गूंज पैदा होती है, लेकिन क ख च छ ट ठ त थ प फ में गूंज पैदा नहीं होती। अर्थात वर्गों का पहला दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है, ये वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण वो सघोष वर्ण है। अब हम लोग आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की तरफ। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में उत्पन्न होती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। जैसे क ग अंग, च ज इं वर्गों का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, ये हमारा हो गया अल्प प्राण वर्ण। और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है उन्हें कहते हैं महाप्राण वर्ण। वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आपका हो गया महाप्राण वर्ण। फिर से आप लोग देख लीजिए अल्प प्राण वर्ण में कौन कौन है। अल्प प्राण वर्ण क ग वर्गों का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, उसके अलावा है य र ल व, ये आपका हो गया अल्प प्राण वर्ण। और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है उन्हें कहते हैं महाप्राण वर्ण। वर्गों का दूसरा चौथा वर्ण और उसके अलावा तालब श मूर्धन ष दंत स्वः, ये आपके महाप्राण वर्ण हुए। बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद हैं, सघोष अघोष अल्प प्राण और महाप्राण, सघोष अघोष में कौन कौन वर्ण है, अल्प प्राण महाप्राण में कौन कौन वर्ण है, ये सब आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। तब तक ठीक से रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।